सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब बहुत सारे नेता सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। जहां आज लोनी के विधायक ने भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए अमित शाह को लेटर लिखा, वहीं एक और जो है जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष के बाद जो है राजेश भाटिया, जी हाँ राजेश भाटिया भी जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी सुशांत के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। दरअसल जब बीएल संतोष ने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई तो उसको बुलंद करते हुए राजेश भाटिया ने लिखा, सुशांत राजपूत एक बेहतरीन कलाकार थे। निश्चित रूप से उनके मृत्यु के कारणों की सच्चाई हर किसी के सामने आनी ही चाहिए। कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बीजेपी नेता हैं जो अब ये मानते हैं कि सुशांत के साथ जो हुआ है गलत हुआ है और जिसने भी किया है उसे जो है सजा होनी ही चाहिए। दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून के अनुसार जो है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये राजेश भाटिया ने जो है सुशांत के लिए लिखा है और उन्हें लगता है कि सुशांत की हत्या के पीछे उन्होंने जो भी एक कदम उठाया उसके पीछे जो भी हो उसको वाकई में सजा मिलनी चाहिए और कोई भी ऐसा ना हो जो बच सके। मैं आपको एक बार फिर से उनका ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। सुशांत राजपूत एक बेहतरीन कलाकार थे। निश्चित रूप से उनकी मृत्यु के कारणों की सच्चाई हर किसी के सामने आनी चाहिए। और कोई दोषी है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यानी कि उनका निधन क्यों हुआ है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या कारण है, वो सामने आने ही चाहिए और जो है जो भी दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए। तो बहुत सारे नेता जो हैं वो आगे आ रहे हैं लगातार जो है पिछले 35 दिन से, अगर मैं कहूँ तो 35 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, हर कोई आवाज़ उठा रहा है इस बात को लेकर कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और अब बहुत सारे नेता भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और खुलकर ये बात कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिलना ही चाहिए।